हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैंने आज मटर पनीर बनाई हुई है। कितनी लाजवाब और टेस्टी है ये, देखिए कितनी बेहतरीन बनी हुई है। आइए देखते हैं मटर पनीर बनाने का तरीका। मैंने यहाँ पर एक बर्तन चढ़ा दिया है गैस पे, और ये देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा तेल डाला हुआ है, तब 1 चम्मच। और अब मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज काटी थी और एक मीडियम साइज़ का टमाटर काटा हुआ था, और दो हरी मिर्च ली हुई है मैंने, और सबको मैंने तेल में डाल दिया है। मुझे थोड़ा सा पकाना है इसे, टमाटर को गलाना है और प्याज भी अच्छे से पकाना है। फिर मैं इस पर ढक्कन बंद कर देती हूँ। और ये देखिए मैंने यहाँ पर पनीर को काट लिया है, आप जैसे भी चाहें वैसे काट सकते हैं। ये देखिए तो मैं इसको चला देती हूँ। हमें बीच में चलाना है ताकि ताकि टमाटर और प्याज अच्छे से पक जाए। फिर से मैं इसे चेक कर रही हूँ। तो ये देखिए अब ये बहुत अच्छे से पक चुका है। टमाटर देखिए बिल्कुल गल गए हैं और प्याज भी पक गई है। और अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल ले रही हूँ। मैंने यहाँ पर प्याज और टमाटर निकाल लिया है। अब मैं फिर से इसमें तेल डाल रही हूँ। 2 चम्मच मैंने इसमें तेल डाला है और अब मैं इसमें पनीर को फ्राई करूँगी। पनीर को इसमें बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, हल्की सी ब्राउन करना है। गैस के फ्लेम को हम मीडियम में कर दे रहे हैं ताकि पनीर जले ना, और बाकी पनीर भी मैं इसी में डाल दे रही हूँ। और बाकी पनीर को डालने के बाद मैं इसको फिर से चला दे रही हूँ, और मुझे बहुत देर तक इसे नहीं पकाना है, बस थोड़ी सी ब्राउन करना है। और फ्रेंड्स प्लीज़ इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छी सी रेसिपी समझ में आ जाए। ये देखिए मैं इसको फिर से चला दे रही हूँ पनीर को। मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे मैं इसको तल रही हूँ ताकि पनीर जले ना, ना बहुत ज़्यादा कुक हो। अगर बहुत ज़्यादा कुक हो गई तब भी सही नहीं है। तो अब मैं इसको निकाल ले रही हूँ, जितनी मुझे चाहिए थी हो गई है। और मैं इसको पानी में डाल रही हूँ, और आप भी जब भी पनीर फ्राई करें और फिर इसके बाद पानी में अगर आप इसे डीप करेंगे तो आपकी पनीर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। और अब मैं प्याज और टमाटर को, हरी मिर्च को मैं इसमें पीस ले रही हूँ। एक फाइन पेस्ट बनाना है मुझे इसका। ये देखिए टमाटर और प्याज हरी मिर्च का एक पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसको प्याले में निकाल ले रही हूँ। और जिस बर्तन में मैंने पनीर फ्राई की थी उसी बर्तन में मैं यहाँ पे तेल डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पर 3 चम्मच तेल डाला हुआ है, और मैं इसमें सबसे पहले ज़ीरा डाल रही हूँ और 2 तेज़ पत्ते डाल रही हूँ, और जो मैंने पेस्ट बनाया था टमाटर और प्याज का वो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और यहाँ पर आप गैस की फ्लेम को स्लो कर दीजिएगा वरना आपका हाथ भी जल सकता है। काफ़ी सावधानी से डालना क्योंकि इसका छींटा हाथ पर आ जाता है।
अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ 2 चम्मच, आधी चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, आधी चम्मच से कम मैंने हल्दी पाउडर डाला है, मैंने यहाँ पर 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है और आधी चम्मच से कम गरम मसाला डाला है। और अब मैं इसको अच्छे से चला दे रही हूँ। मीडियम फ्लेम पे मुझे इसको मसाले को भूनना है अच्छे से। अब मैं इसे चला दे रही हूँ, ये देखिए। अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच, आप नमक स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से चला दिया है और अब मैं इसमें ढक्कन बंद कर दे रही हूँ। इसी तरीके से आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद ढक्कन हटाकर इसे चलाते रहना है ताकि मसाला जले ना। और ये देखिए बहुत अच्छी मसाले की खुशबू आ रही है, बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है। और अब मैं इसे फिर से चला दे रही हूँ। ये देखिए मसाला अच्छे से भुन चुका है और तेल भी आ चुका है। अब मैं इसमें 1 कप मैंने मटर ली थी, इसको वॉश कर लिया था, मैं इसमें डाल दे रही हूँ। मटर को हमें गलाना है और मैं ढक्कन बंद कर दे रही हूँ। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अब मैं मटर को चला दे रही हूँ। अब मैं इसे फिर से ढक्कन बंद कर दे रही हूँ। 2 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए तेल भी ऊपर आ चुका है। और अब मुझे मटर को चेक करना है कि मटर हमारी गली है या नहीं, और हमें अच्छे से चलाते भी रहना है ताकि मसाला जले ना। तो 1 मटर को मैं चेक कर ले रही हूँ। अभी मटर अच्छे से नहीं गली है, मुझे 2 मिनट और मैं इसे पका ले रही हूँ 2 से 3 मिनट तक। और मैं इसमें थोड़ा सा मैं पानी भी मैं ऐड कर दे रही हूँ ताकि मसाला ना जले, वरना मसाला जल जाएगा। मैंने वही पानी इसमें ऐड किया है जिस पानी में मैंने पनीर डीप किया था। अब मैं चला कर ढक्कन बंद कर दे रही हूँ। दो से तीन मिनट हो चुके हैं और ये देखिए मसाला भी अच्छे से भुन चुका है। और अब मुझे सिर्फ मटर देखना है, मैं चेक कर ले रही हूँ यहाँ पर मटर को। और ये देखिए बहुत अच्छे से मटर गल चुकी है, मैं एक और चेक करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से मटर गल गई है। और अब मैं इसे चला दे रही हूँ और मसाला भी भुन चुका है, तेल भी आ चुका है। अब मैंने यहाँ पर 1 कप पानी ऐड किया है और मैंने वही पानी ऐड किया है जिसमें मैंने पनीर डीप किया था। और अब मैं थोड़ा सा नॉर्मल पानी डाल दे रही हूँ। मैंने यहाँ पर 1.5 कप पानी ऐड किया है और ज़रूरत पड़ने पर अगर मुझे लगेगा कि बहुत गाढ़ा है तो मैं इसमें और भी पानी ऐड करूँगी। अभी मुझे लग रहा था कि थोड़ा मुझे पानी और ऐड करना है, तो इसलिए मैंने इसमें पानी 2 कप के करीब पानी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। तो अब मैं मैंने ढक दिया है। ये देखिए कितनी अच्छे से 3 मिनट के बाद ये कितने अच्छे से पक गया है, पानी पक रहा है। और अब मैंने यहाँ पर जो पनीर डीप किया था पानी में, और अब मैं इसको वो भी डाल दे रही हूँ। ये देखिए मैं सभी पनीर को डाल दे रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलें।
और हमें कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमें बहुत अच्छा लगता है आपकी कमेंट पढ़ना। मैंने पनीर डालकर इसको चला दिया है और अब मैं इसको ढक्कन बंद कर दे रही हूँ, एक बॉयल आने का वेट करूँगी। ये देखिए एक बॉयल आ चुका है और पनीर मटर अच्छे से पक चुकी है। और अब मैं इसे गैस ऑफ कर दे रही हूँ और 5 मिनट के बाद मैं इसमें धनिया ऐड कर दूँगी। और देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसमें धनिया ऐड कर दे रही हूँ। और आप अपने घर पर जब भी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लोग इसे पसंद करेंगे। ये बहुत ही लाजवाब पनीर मटर की सब्ज़ी बनी हुई है और लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे और आपकी तारीफ़ करने से कोई भी नहीं चुकेगा। आप ज़रूर बनाएं, अपने गेस्टों को खिलाएं, सबको खिलाएं और खूब सारी तारीफ़ें लूटें आप। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा, बाय।